चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये वही कर पाएगा जो उसको जो थोड़ा बहुत रोलिंग के बारे में, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो एक थ्योरेटिकल, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये स्टेटमेंट सही है। मतलब हमें रॉन्ग चूज करना ना, तो रोलिंग फ्रिक्शन वैसे भी जो व्हील होता है, गाड़ी का, जो गाड़ी का व्हीकल का, साइकिल का जो व्हील होता है वो रोल करता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ये स्टेटमेंट तो फिजिक्स का सही है। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्म, होता ही है लिमिटिंग वैल्यू। अगर कोई सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जो वो होता है म्यू एन। ठीक है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल के लिए कॉन्स्टेंट है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल के तो प्रोपोर्शनल है ही, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा नॉर्मल बढ़ाते हो हैवी वेट होगा उतना ज़्यादा तगड़ा फ्रिक्शन लगेगा, दोनों में बॉन्डिंग ज़्यादा होगी ना, तो ये भी एक स्टेटमेंट सही है, हमें रॉन्ग चूज करना है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, ऑलवेज ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द मोशन, ये बात हमेशा सही नहीं है। ठीक है, बट फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन, ये 100% सही है। ठीक है, तो ये चलो अभी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है डायमेंशन ऑफ लेंथ, क्या म्यू का कोई, म्यू जो म्यू है उसका डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाई नॉर्मल। फोर्स मैक्सिमम क्या यार, फोर्स है, इसका इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका यूनिट न्यूटन, न्यूटन, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम नॉट एल नॉट टी नॉट आ गया यार, ये तो डायमेंशनल लेस होता है, तो ये बात गलत है, और ये गलत है तो यही यहाँ पे सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है।